इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 से 12 जनवरी तक होगा। दोनों ही आयोजन में देश और विदेश से मेहमान भी शामिल हो रहे हैं। वहीं इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी। इसी को देखते हुए शाजापुर सहित आसपास के जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वाहनों के आने जाने को लेकर उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। कोतवाली टीआई अवधेश ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीवीआईपी के इंदौर दौरे को देखते हुए शाजापुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसी को लेकर यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो इंदौर में माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य राष्ट्राध्यक्ष वगैरह पधार रहे हैं उसके संबंध में ये चेकिंग अभियान जगह जगह चलाया गया और चलाया जा रहा है। इसमें कोई अवांछनीय गतिविधि जैसे लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनरल चेकिंग है, रूटीन की चेकिंग है, अधिकारियों की अर्थसंख्या चेकिंग बेरसा रोड पर और ये इधर सहारनपुर रोड पर चेकिंग लगाई गई है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तार की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।